नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे मेथी के थेपले एकदम ऑथेंटिक गुजराती स्टाइल में। इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी दही, दो से तीन चम्मच गुड़ या गुड़ का पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच अदरक का पेस्ट, एक कटोरी मेथी काट के धोरी हुई, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, एक से दो चम्मच तेल, आधा कटोरी बेसन, तीन से चार चम्मच रिफाइंड ऑयल। आटा लगाने के लिए हम पानी यूज़ करेंगे। एक बर्तन में हम पहले गेहूं का आटा ले लेंगे, इसमें फिर एक एक करके हम सारी चीज़ें मिला लेंगे। ये मैंने बेसन डाल दिया है। अब मैंने डाली है मेथी। इस समय पुणे में बहुत अच्छी मेथी आ रही है, इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई भी। नमक डाल लेते हैं, आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। अगर आप देगी मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो आप एक चम्मच से ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरी तीखी वाली मिर्च है तो मैंने आधा टीस्पून ही यूज़ की है। मैंने तिल डाल लिया है इसमें, एक से डेढ़ चम्मच तिल। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल लीजिए। इसमें आप गुड़ डाल लीजिए। यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शुगर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ आपको फ़ायदा करेगा और इसका फ्लेवर भी आपको अच्छा आएगा। अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। दो से तीन चम्मच आप रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। अब मैंने इसमें दही मिला लिया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप आटे को छाछ या मट्ठे में भी गूंद सकते हैं। आइए इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अगर आप छाछ का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इन सारी चीज़ों को मिला लिया है। देखिए हमारा आटा लग के रेडी हो गया है। आटा ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। इतना आटा गूंथने के लिए मुझे आधा कटोरी पानी से भी कम लगा है। इसको हम ढककर 25 मिनट तक सेट होने देते हैं। चलिए अब हम अपने थेपले बेलते हैं। हमने रोटी की तरह ही एक छोटी सी लोई ले ली है। आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे या थोड़े बड़े थेपले बना सकते हैं। मैंने तवे को थोड़ी पहले ही गर्म करने रख दिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। ट्रेडिशनली थेपले तेल में ही बनाए जाते हैं, आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए थेपला इस तरह से सिकने लग गया है। इस पर मैंने थोड़ा सा ग्राउंड ऑयल अप्लाई किया है। आप इस तरह से दबा दबा कर थेपले को अच्छे से सेक सकते हैं।
अगर आप ट्रैवलिंग के लिए थेपले बना रहे हैं तो आप उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएं, और आप अभी गरम खाना चाहते हैं, क्रिस्प करना चाहते हैं, तो आप उन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक कर बना सकते हैं। हमारे थेपले बनके रेडी हो गए हैं। इन्हें आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी खा सकते हैं। आप गरम गरम थेपले दही, अचार, चटनी या हरी मिर्च के साथ भी परोस सकते हैं। शाम के स्नैक्स के लिए, शाम की चाय के साथ भी आपको थेपले बहुत अच्छे लगेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ नोटिफिकेशंस का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।